ज्यादा साथ दिया एंटरटेनमेंट में, जो भी वेब सीरीज थी जिन्हें हम घर बैठ के देख पा रहे थे सिर्फ और सिर्फ अमेज़न प्राइम इन सब की वजह से. बट टॉकीज इज द मोस्ट बेस्ट एवर प्लेटफॉर्म इन ओटीटी सिनेमाज. में आपको बोलना चाहूंगी क्योंकि टॉकीज पर आप कुछ भी कहीं पर बैठ कर देख सकते हैं. आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, नॉट इवन इन दिल्ली, नॉट इवन इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ स्टेट, और यू नो आप कहीं भी बैठ कर देख सकते हैं. आप अपनी तरह से इसको चला सकते हैं, अपनी तरह से इसको चला सकते हैं, बता सकते हैं. यू नो ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टार बनाता है. टॉकीज के बारे में एक शब्द, ये टॉकीज बहुत ही यूनिक शब्द है, राइट. टॉकीज की शुरुआत में आपको बताना चाहूंगी कि मैं 90s में जाना चाहूंगी. फिलहाल 90s में जब फिल्मी दुनिया की शुरुआत हुई उस वक्त कुछ भी यू नो शब्द नहीं थे. सिर्फ फिल्म जो होती थी वो देखने के लिए होती थी, राइट. हम लोग देखते थे बट वो लोग बोलते नहीं थे तो हम सुन नहीं पाते थे. जब आगे बढ़ी इंडस्ट्री तो नाम पड़ा टॉकीज. टॉकीज मीन्स टॉक एंड आईज, राइट. हमारे एंड राइट. तो टॉकीज बहुत ही यूनिक नेम है, बहुत ही प्यारा नाम है. और इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जो किसी भी लैंग्वेज में इसमें सीरीज देख सकते हैं. अमेज़न प्राइम की जो भी सब्सक्रिप्शन होते हैं अभी फिलहाल बहुत महंगे होने लगे हैं, राइट. बट टॉकीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप पॉकेट फ्रेंडली है, आप बहुत इजीली इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. ऐप प्ले स्टोर पर भी है और iOS पर भी है, ऐप स्टोर पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में ले सकते हैं. एक बार जोरदार ताली हो जाए टॉकीज के लिए, कम ऑन एवरीवन. साथ ही हमारे बिग कजन्स इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इसी की वजह से टॉकीज हमारे बीच में है जिसे हम कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं. और इनकी जो डायरेक्टर्स हैं अभी आप से मिलवाना चाहूंगी, आपसे रूबरू कराना चाहूंगी, कुछ ही देर में वो आपके सामने आएंगे. साथ ही हमारी दो सीरीज जो लॉन्च हो रही है, एक बेदाग और एक शॉर्ट फिल्म है बल्ली, तो दोनों ही आज लॉन्च होने वाली हैं. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए, कम ऑन एवरीवन. ओके, तो अभी इतनी सी शब्द मैंने आपको बताए हैं टॉकीज के बारे में, राइट. टॉकीज शब्द मैंने बताया, टॉक एंड आईज. अभी मैं जानना चाहूंगी कि टॉकीज में आई का क्या मतलब है. कोई मुझे बताएगा टॉकीज में आई का क्या मतलब है? आई का क्या मतलब है? एनीवन? आई आंखें नहीं, आई आई. एक बार ठीक से देखिए, इसे ठीक से देखिए. टॉकीज में आई का क्या मतलब है? आई लेटर. एंटरटेनमेंट सर, ई से स्टार्ट करते हैं. आई का क्या मतलब है सर? चलचित्र को देखने का नहीं. सर ने बहुत अच्छा आंसर दिया है. आई मीन्स मैं. आई मीन्स तो मैं ही होता है ना. आई एम द होस्ट, आई एम दिशा, आई एम टॉकीज. आई का मतलब तो चलो मुझे पता लग गया. अब ऊपर आपको आई के कुछ दिखाई दे रहा है, क्या है? स्टार. आई एम द स्टार. ये एक सबसे बड़ा पहलू है इस टॉकीज का. आई एम द स्टार, यू आर द स्टार ऑफ योर टॉकीज. एक बार जोरदार ताली हो जाए, कम ऑन एवरीवन. टॉकीज सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है. लेट मी टेल यू, टॉकीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अमेज़न पर वेब सीरीज देखने के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर आए हैं. नहीं, टॉकीज पर आप कुछ भी पहले का देख सकते हैं, राइट. हमारे पास काफी मूवीज ऐसी होती हैं जो हम लोग सिनेमा में जाकर देखते हैं बट उनको एंजॉय नहीं कर पाते. कई बार हम लोग बातें करने में रह जाते हैं बट उसको रिपीट टेलीकास्ट में नहीं देख सकते, राइट.
नहीं लिख सकते ना, तो उसको आप टॉकीज पर लिख सकते हैं. टॉकीज बहुत ही यूनिक है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है. अगेन आई एम टेलिंग यू, तो ऐप स्टोर पर, प्ले स्टोर पर आप इसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा. वेल, उससे पहले आपको इसे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सब्सक्राइब करना है, सब्सक्रिप्शन इसका कैसे लेना है, वो आपको एक प्रोमो वीडियो के थ्रू पता चलेगा जो अभी आपकी स्क्रीन पर चलेगी. तो एक बार छोटा सा यू नो हैव अ लुक एक प्रोमो वीडियो के लिए. So we have a small presentation of Turkeys. उसके बाद मैं चाहूंगी कि हमारे डायरेक्टर्स जो है वो स्टेज पर आए, आपसे रूबरू हो और एक्चुअल में उनका क्या रीजन था इसको उतारने का, इस प्लेटफॉर्म को उतारने का. हालांकि इससे पहले भी काफी मूवीज जो है उनके थ्रू यू नो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो काफी मूवीज उनके थ्रू जो है वो लोगों तक पहुंची है. लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू है, जिसे आपको कहीं बाहर जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं है. जब हम लोग कहीं भी सिनेमा में जाते हैं, राइट, सब जाते होंगे आप पीवीआर में मूवीज देखने, तो सब जाते हैं ना. मीडिया से कितने ही बंदे से, पर एंटरटेनमेंट के लिए मूवीज जरूर देखते हैं, राइट.